रुको पुष्पा जी, क्या पुष्पा तो आप क्यों चला रहे हो उसको? ना लाइक ने हमारे हाथ को काटा। अरे मैया की गंगा मैया, हमारी सासू माँ को काटा तुमने? हम रुक जाओ, हम करते हैं उसको। अरे अरे ये फिसल रही। अरे आप कमाल है पुष्पा जी, एकदम कमाल है आप। डॉक्टर बनना चाहती हो? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? पढ़ो और अपने सारे सपने पूरे करो। मगर हर किसी के सपने पूरे हो वो भी तो जरूरी नहीं है ना लता। सपने अपने आप पूरे नहीं होते, उन्हें पूरा करना पड़ता है, मेहनत से, लगन से, पैशन से। तजुर्बा कहता है हमारा कि जिंदगी एको साउंड की तरह होती है। हम जिस ढंग से उससे सवाल करते हैं, ठीक उसी ढंग से हमें जवाब मिलते हैं। लता, अगर तुम एक बार ठान लो कि तुम ये शादी नहीं करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, अपनी जिंदगी जीना चाहती हो, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। पैसे? अरे क्या यार शुक्ला जी, आप भी एक लड्डू के लिए पैसे पैसे करते रहते हो। लड्डू के पैसे नहीं भैया, हमारे कमीशन वाले पैसे कहाँ हैं? कमीशन वाले? हाँ। वो आ रहे हैं ना। कब आ रहे हैं? जब कनाथ वाले ये सारी दरी बरी उठा के लेके जाएंगे तब। देखिए देखिए, हमारी मम्मी आ गई पैसा लेकर। देखिए देखिए देखिए, अरे बाप रे, भागती हुई तुम्हारी मम्मी कितनी भयानक लग रही है। शुक्ला जी क्या कर रहे हैं? शुक्ला जी शुक्ला जी, ई लियो तो हर पैसा गिन लियो बा। हाँ गिन लेंगे ना, अब खा 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 खा। लेकिन आप इतनी हाँफ क्यों रही है? हाय दया, आप का बताए हम आपको, इतना सारा पैसा एक तो एटीएम में थोड़ी ना मिलता है। एक एटीएम से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से ऐसा भागम दौड़ी कर करके ना हमारी तो सांस फूल गई। अब क्या बताएं हम आपको? हम बिल्कुल समझ गए थे, इसका इलाज है हमारे पास। वेटर यहाँ आ, मैडम को ठंडा पानी पिलाओ। हमको ठंडा शरबत चाहिए बा। ठीक है, पिलाते हैं। वेटर मैडम के लिए शरबत लेके आओ। अरे हमारा फोन बज गया। हेलो, अरे हाँ हाँ आ रहे ना, अभी आ रहे। हाँ अरे पुष्पा जी क्या हो गया? अरे क्या बताए हम, क्या बताए तुमको? एक बार, बस एक बार ठान लो, हम हैं तुम्हारे साथ। हम लड़के की बहन हैं, हम ये शादी रुकवा सकते हैं। बस तुम ये तय करो कि तुम करना क्या चाहती हो। वैसे आप रहते कहाँ हैं? हवालात में हैं। डैडी का कहने का मीनिंग है कि अपनी वाइफ के साथ रहना कोई हवालात से कम थोड़ी है। सही है, काफी मजाकिया आदमी है, आप दोनों काफी मजाकिया हैं। वो अंकल, आपने अभी तक एड्रेस चेंज नहीं किया? अरे डॉटर्स वेडिंग, गो फास्ट, गेट रेडी। हाँ बस शर्मिला बाहर से आई रही कपड़े लेकर के। कपड़े नहीं तो चेंज कहाँ से होगा? अरे शर्मिला आ गई, कहाँ रह गई थी तुम, इतना देर कर दिया। अरे वाह, कपड़े चेंज कर दिए, वेरी गुड। ऐसा करो, ये लो मेहमानों का ख्याल करो, मैं कपड़े बदल के आता हूँ। वाह, तुम्हारा नाम क्या है शर्मिला? जाओ लड़के वालों के लिए शरबत लेकर आओ। बदतमीज, लड़के वालों को ना शादी कैंसिल करवा देंगे। जाओ, हम कहते हैं लड़के वालों के लिए जल्द से जल्द शरबत लेकर आओ। ऑर्डर अपनी मैया को देना जाके। करिश्मा मैडम, आप देखो लता, तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता, ना तुम्हारी शादी ना किसी और की। हम तुम्हें गारंटी देते हैं, हम हैं तुम्हारे साथ। तुम बस तय करो कि तुम करना क्या चाहती हो। एक कदम भी आगे बढ़ा मेरा मरा मुंह देखेगी लता। थैंक यू दीदी मेरे लिए इतना सोचने के लिए, बट मुझे अपने माँ बाप के बारे में भी सोचना होगा। आप जानते नहीं हैं, अगर मैंने ये शादी नहीं की तो
पापा जान दे बैठेंगे। कैसे होने दे सकती हूँ मैं ऐसा? क्या लगता है आपको कि मैडम सर लता को समझाने में कामयाब हो पाएंगे? 2000% समझाने में मैडम सर का कोई जवाब नहीं है, वो लता का ब्रेन वॉश करने में जरूर कामयाब होंगी। ठीक है। ओ नहीं, आप हमको आंख मार रही हैं संतु जी। आंख मार रही हूँ मैं? हाँ, मेरी सीधी आंख फड़क रही है, मतलब पक्का कोई गड़बड़ होने वाली है। नहीं नहीं संतु जी, ऐसे मत बोलिए। पुष्पा जी, क्या ठीक से साड़ी बांधने भी नहीं सिखाई ना आपकी माँ ने? ऐसे बांधते हैं साड़ी? ये क्या है, पूरी वर्दी दिख रही है अंदर की। 2 मिनट में पकड़े जाएंगे हम। 5 फुट 5 इंच की गाड़ी में ना आप साड़ी पहन के दिखाइए, हम आपको मान जाएंगे पुष्पा जी। साड़ी पहनने और लपेटने में का फर्क होता है। हाँ ठीक है ठीक है, अंदर चलिए, हम ठीक कर देते हैं। चलिए इधर आइए, यहाँ कुछ अटक रहा है। हाँ ठीक है ठीक है, आइए आइए। अरे हाँ, ये क्या है, क्या है ये? गोदीजे गोदीजे गोदीजे, हमारा गला ऐसे घोटते हैं, गला ऐसे नहीं घोटते। हाँ अब ठीक लग रहा है। कुछ ठीक नहीं है, वो देखो। अरे मगर ये छूट कैसे गई? अपने टी से बांधा ही नहीं होगा इसको पुष्पा जी। हाँ हाँ, इसमें भी हमारी गलती है। तो किसका गलती है? अभी हमको कोसना बंद करो और सोचो करे क्या, किसी ने उसको देख लिया ना तो क्या करे? गए हम फिर। चीते, 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 चीते। अरे इस ससुर हवेली में नेटवर्क का बड़ा प्रॉब्लम है। चीते मैंने कहा था ना तुझे कुछ गड़बड़ होगी, देख ले। अरे इस ससुर नेटवर्क नहीं मिल रहा हमको, कहाँ है? शुक्ला जी, हाँ शुक्ला जी, अरे शुक्ला जी, शुक्ला जी इधर। कहाँ डेकोरेशन करवाए हैं आप? फिर वेरी बैड बताइए। अरे ऐसा लग रहा है जैसे कि गुड्डा गुड़िया का शादी हो रहा है, बिल्कुल सीरियस लग रहा है। इतना लड़का लड़की वाला लोग से इतना ज्यादा पैसा लेते हैं आप, थोड़ा सा डेकोरेशन पे खर्चा कर देते। पुष्पा जी अगर हाथ ढंग से बांधे होते तो पैर नहीं खोल पाती। अरे क्या पता इसने पहले पैर खोले होंगे जो आपने बांधे थे। कुछ भी सीरियस नहीं हो रहा है यहाँ पर। नहीं तो क्या? पापा गुस्सा नहीं, आपका बीपी हाई हो जाता है आराम से। डैडी टेक अ डीप ब्रेथ। छोड़ो। हाँ अरे शुक्ला जी, आपने शमिला को देखा क्या? अरे नहीं देखा ना। आप लोगों ने देखा मेरी बहू को? ना 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 ना। फिर तो बाहर से मुझे ही जाके सामान लाना पड़ेगा। अरे कैसा डेकोरेशन हुआ है? कैसा शुक्ला जी? अरे एक मिनट। अरे शर्मिला बेटा तुम कहाँ गायब हो जाती हो? अरे बाहर से बाकी बैग भी लेकर के आओ, मंडप में जरूरत पड़ेगी, जल्दी लेके आओ। ऐसा नहीं है कि वो हमसे प्यार नहीं करते, 10वीं तक पढ़ाया बस आगे पढ़ाने की ताकत नहीं है, और ऊपर से समाज का प्रेशर कि लड़की की शादी करवानी होती है। कैसे बनते हम डॉक्टर ऐसे? और अगर मेरी शादी करने से मेरे माँ बाप को खुशी मिलती है तो मैं ये शादी करूंगी। किसी एक के तो सपने पूरे हो। लता तुम ये सब क्या कह रही हो? देखो ये सब नहीं, गलत। बस मुझे और कुछ नहीं सुनना है, मैं ये फैसला ले चुकी हूँ, मैं ये शादी करूंगी। रिलैक्स, तुम बात समझने की कोशिश करो। लता चलो बेटा, पंडित जी बुला रहे, चलो चलो लगन का समय हो रहा है, आ जाओ। क्या क्या क्या, क्या बोल रही है मैडम सर? मतलब लता कन्फेशन के लिए नहीं मानी, अब कन्फेशन नहीं करे? अरे लग गई लंका, अब क्या होगा, क्या होगा? पर क्या होगा, क्या होगा, क्या शादी होगी और क्या होगा? ए बिल्ला, शकल अच्छी नहीं, कम से कम बात तो अच्छी कर लिया करो। हमेशा शकल से मिलती जुलती बात करना जरूरी है क्या? चीते मैंने कहा था ना तुझसे, मेरी आंख फड़क रही है, कुछ गड़बड़ होगी, देख हो गई ना। संतु जी एक तो पहले ही से आपकी आंख कातिल है, कितने लोगों को मरवाइएगा, हम भी मर जाएंगे। ए चीते चुप कर, अभी पहले हमें ये तय करना है कि आप करना क्या है हमें। अरे चतुर्वेदी फैमिली अरे ये सारा परिवार यहाँ पे क्या कर रहा है? अरे कोना क्यों पकड़ा है? अरे इतनी बड़ी हवेली है, वहाँ पे आ जाओ।
अरे काहे तुम कब आओगे मंडप में है? दूसरे जोड़े की शादी हो जाएगी, उनके बच्चे हो जाएंगे, उनकी नामकरण विधि हो जाएगी, तब आओगे। अरे आप जाइए, हम बस आई रहे। तो जल्दी आ जाइए वरना पंडित और मुहूर्त दोनों निकल जाएंगे। हाँ हाँ आवत है, आवत है। हाँ तो आवन जल्दी आवत है। कौन बात कर? ओके देखो अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम सॉरी चीता, लेकिन हमें रस्मों को कंटिन्यू रखना पड़ेगा वरना शुक्ला को शक हो जाएगा हम पर। बिल्लू और संतोष आप लोग चीता को लेकर मंडप पर जाइए जल्दी फटाफट। मैडम सर सुनिए, फिर उससे पहले ना सब कुछ रोक दीजिएगा प्लीज, नहीं तो लता से हमारी शादी हो गई ना मैडम सर, बहुत पाप लगेगा। अरे कैसा पुलिस वाला है, फर्ज के लिए एक शादी नहीं कर सकता। अरे एक ही तो शादी होनी है ना बिल्लू, वही दांव पे लगी हुई है फर्ज के लिए। फर्ज याद दिला रहे हो यार, चाहिए ये बातें रास्ते में कर लेना। जाइए जल्दी 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 जल्दी। पुष्पा जी बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी अगर हमने फेरे शुरू होने से पहले सबूत इकट्ठा नहीं किया तो। हम किसी भी लड़की की जान नहीं बचा पाएंगे। तो अब क्या करें? लता ना सही और भी बहुत सारी लड़कियां हैं जिनकी यहाँ पर आज शादी होने वाली है। अगर हम उनमें से किसी एक को पकड़े, अगर किसी एक का भी स्टेटमेंट मिल जाए, कोई बोल दे कि वो नाबालिग है और ये शादी अपनी मर्जी से नहीं कर रही है, तब हम ऑफिशियली कुछ कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें पहले लड़कियों तक पहुंचना पड़ेगा। मगर कैसे? उन लड़कियों को तो हम जानते भी नहीं है, और जब तक हम उनको ढूंढ कर उनके पास पहुंचे यहाँ चीते के फेरे भी हो जाएंगे। सच बताए ना तो अभी हमें करिश्मा सिंह की बहुत याद आ रही है। अगर वो होती ना तो। करिश्मा सिंह रिपोर्टिंग मैडम। खाल से नाखून अलग कैसे रह सकता है? वैसे कुछ हमारा रिश्ता है हमारी ड्यूटी से। पता था हमारा जरूरत जरूर पड़ेगा। बताइए क्या करना मैडम सर? ओम पवित्र पवित्र वा सर्वावस्था गतो विवा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा। देसी घी के लड्डू हैं। दे चुरा ले चुरा ले। जाकर क्या फटाफट? क्या करके आए हम? अरे लोगी है ना, जा फटाफट करके आप पीछे से राइट। मुरिंग नु बिल्लू, कुछ नहीं लगी है हमको। हाँ तो ऐसा प्रेशर वाला मुंह क्यों बना के रखा है? रहा है बिल्लू, हमारा दिल जल रहा है। हर कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि इसके लिए सहरा पहनने का सपना देखे थे, वो हमको सहरा पहना ही गया। तंतु जी आप ऐसे एक बार झूठी बोल दीजिए ना कि हमको इसे शादी करता हुआ देख के आपको बहुत दुख हो रहा है। नहीं हो रहा है। उन लड़कियों के लिए दुख हो रहा है जिन्हें बचाने हम यहाँ आए। और तू जितने ड्यूटी पर है ना, काम पर ध्यान देना। फिर क्या, इतर देर सहरा कैसे पहनाऊंगी मैं? अरे नहीं मेरी सीधी आंख फड़क रही है। फिर से फड़क रही है। बिल्लू कहां से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है ना? हमें पता था ये शुक्ला जैसे जो लोग होते हैं ना, सांप होते हैं। सांप सांप के कान में बीप नहीं बजाया जाता जज्बातों का, उनके कान में बजाया जाता है जोर से। आप लोड क्यों ले रही है मैडम सर, हमें परमिशन दीजिए। ऐसा मार लगाएंगे ना कि जो कुछ है ना ऐसा उगल के बाहर फेंक देगा वो। और जैसा स्टेटमेंट आप चाहेंगी ना मैडम सर, बिल्कुल वैसा स्टेटमेंट देगा और कोर्ट में जाकर उस स्टेटमेंट से मुकर जाएगा और आराम से छूट जाएगा। करिश्मा सिंह, हमें चाहिए प्रूफ जिसे शुक्ला कभी भी झुठला नहीं पाए। और आपको क्या लगता है, शुक्ला खुद एक लॉयर है, उसे ये कानून की दाव पेच नहीं पता होंगे, इसीलिए हमें चाहिए कोई पुख्ता सबूत। हेलो हाँ ठीक है, अब नेटवर्क बराबर मिल रहा है। हाँ बोलो। हाँ और एक घंटा लगेगा। अरे का है भैया, कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट होने जा रही है क्या वहाँ पे? नहीं, फटाफट लड़कियों को तैयार करो, आधे घंटे में मुझे सारी लड़कियाँ यहाँ मंडप में चाहिए, ठीक है? हाँ शुक्ला की बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि वो सारी लड़कियां यहीं आसपास के किसी ब्यूटी पार्लर में तैयार हो रही हैं। इसका मतलब हमारे पास कुल मिला के सिर्फ 20 मिनट है उन लड़कियों को ढूंढने के लिए और उनसे स्टेटमेंट निकलवाने के लिए। और अगर 20 मिनट में हम ये नहीं कर पाए ना पुष्पा जी, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमें जो कुछ भी करना होगा उन लड़कियों के यहाँ पहुंचने से पहले करना होगा। एक आइडिया है मैडम सर, क्यों ना हम शुक्ला से उसका फोन हथिया ले, तो हमको पता चल जाएगा ना वो लड़कियां कहाँ हैं। ये सब 20 मिनट में हो जाएगा। पुष्पा जी आप सोचती भी है जब ये सब आइडिया आपके दिमाग में आता है या फिर ऐसी उड़ेल डालती हैं?
दिमाग किसके पास नहीं है सबको पता है। ज्यादा बड़बड़ाइए मत, कितनी बार बोला हमसे साफ साफ बात। हाँ तो आप भी नाम को मत सुनाइए। चुप हो जाइए, शांत हो जाइए। एक प्लान है हमारे दिमाग में, अब हमारी बात ध्यान से सुनिए। यहाँ आइए। क्लियर क्लियर? हाँ एकदम। चलो लेट्स गो। अरे बहू तुम यहाँ हो? तुम्हें मैं कहाँ कहाँ ढूंढ रहा हूँ। पंडित जी मंडप में बुला रहे हैं, जल्दी चलो जल्दी। ओह बच्चे का शादी है ना, तो भावुक हो ही रही। हाँ। तो मन भरा आया ना, तो इसलिए हम समझा रही को। हम समझा दिए हैं, कोनो दिक्कत नहीं। हाय दैया, आपको तो पंडित जी बुलावत है। भौरिया जा जा। आ जाओ। जाइए जाइए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। मैडम सर जल्दी कुछ कीजिए, वरना बेचारी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बिल्ले कुछ कर दे यार, प्लीज कुछ कर दे यार। यार दो मिनट में शादी हो जाएगी, हम मर जाएंगे। प्लीज शादी रुकवा दे बिल्ले। सॉरी सॉरी सॉरी, प्लीज कुछ कर। मेरा फायदा क्या तेरा? बिल्लू निवास तेरा। हाँ हम सारे पुलिस वाले तेरे से पूछो। तुम ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्लू निवास मेरा ठीक है। हाँ तेरा। देख तो एक काम कर। हाँ बोल। बेहोश हो जाओ, मैं फैल जाऊंगा, दूल्हा बेहोश, शादी कैंसिल। कर ली बिल्लू? पक्का बेहोश। दू, दू, दू। कुछ नहीं करेगा, तू चुप बैठ। एक मिनट कर ले बिल्लू। बिल्लू नहीं नहीं इधर नहीं। भैया दूल्हा बेहोश। अरे दूल्हा बेहोश हो गया। क्या करे? शादी कैंसल, कैंसल शादी। जी मैडम जी काम हो जाए। शुक्रिया। एम्बुलेंस एम्बुलेंस। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? दूल्हा बेहोश हो गया, शादी कैंसिल, एम्बुलेंस एम्बुलेंस। अरे हो जाता है ऐसे शादी ब्याह में। एक काम करो तुम जूता निकालो। ओके जल्दी जल्दी चीते के पप्पा। ये आ गया जूता। अब गिनकर इसके गाल पर 10 जूते मारो। मारना है या सुंगाना है? सुंगाना नहीं है, मारना है। मारना 10 बार कस के मारो, जमा जमा के मारो, पीट पीट के मारो, उठ जाएगा वो। हाय दया, आप हमारे लल्लो को जूता मारेंगे? पुष्पे होश में लाने के लिए। हमसे तो ना ही देखा जाएगा। अच्छा लग रहा है हमको, अचानक से अच्छा लगने लगा हमको। हाय दया, हमारा लल्ला तो होश में आ गया। हमारा लल्ला होश में आएगा वा, हमारा लल्ला होश में आएगा वा। शादी कंटिन्यू कंटिन्यू, जल्दी करो रसम शुरू करो, यहाँ पे और एक शादी करवानी है हमें। जगह का फोन। हाँ बोल, फोन क्यों किया? गुरु दक्षिणा देने के लिए फोन किया आपको, बहुत कुछ सीखा है आपसे, सोचा एक छोटा सा एहसान आप पे भी कर दूं। पुलिस की रेड पड़ने वाली है आपकी शादी पे, एक भी लड़की ने मुंह खोला ना तो लंबे नप जाओगे पुलिस के सामने। पुलिस वहां कभी भी पहुंचती होगी। और हाँ शुक्ला जी, एक चीज का ख्याल रखिएगा, आप खुद वहां रहिएगा, नहीं तो मामला बिगड़ भी सकता है। हाँ ठीक है, फोन रख। ठीक है ठीक है। हाँ ठीक, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज का दिन ही हमारा खराब है, क्या करें अभी। ये भी खराब हो गया।
चलिए फेरों के लिए खड़े हो जाइए आप लोग। नहीं नहीं नहीं, फेरे नहीं हो सकते। क्यों क्यों नहीं हो सकते फेरे? अब वो ना आंटी जी, वो हमारे यहाँ रिवाज है, दूल्हे के डैडी दूल्हे को स्वर्गवासी रिश्तेदारों के नाम पे 1-1 रैप्टा झापड़ 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 मारेंगे ताकि पापा को प्रायश्चित हो जाए, राइट? और फिर वर और वधु को स्वर्गवासी रिश्तेदारों का ब्लेसिंग्स मिले। ऐसा रीति रिवाज तो पहली बार देख रहा हूँ पंडित जी। रिवाज है तो है, जो भी करना है जल्दी कीजिए। यस यस, क्विकली क्विकली, कम ऑन। रिवाज का आगाज हो, उठो बेटे उठो। सॉरी चीते, कुछ और नहीं सूझा। आपके सूझने के चक्कर में हमारी गाल सूझ जाएगी, उसका क्या? चीते सद्दू जी, बेटा खुले में आ, पर्दा हटा हटा जल्दी, रिवाज है। ये स्वर्गवासी माता जी के लिए। हाँ हाँ हाँ, नमस्ते नमस्ते, बैठे 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 बैठे। अभी तक कोई रेड नहीं हुई है, पर हो सकता है पुलिस आती ही होगी। ये देहरादून की चाची की चचेरे मामा की फूफा की चौथी बेटी के पति महेश चट्टोपाध्याय के लिए। रुकिए, ये सब के सब पुलिस वाले हैं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।